अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू NBS फाइन कुकिंग। आज मैं मेरी वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन 65 कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन 65 बनाने के लिए पहले आप लोग चिकन ब्रेस्ट लीजिए और उसे धोकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। चिकन को अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। 1/2 टीस्पून विनेगर डालेंगे। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है, रेड चिली सॉस है, तो आप 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए, इससे अच्छा टेस्ट आता है। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा चिकन 65 बनता है। टमाटो सॉस डालेंगे। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हम इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो डालेंगे। अजीनोमोटो डालने से चिकन जूसी रहता है और जल्दी गल जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहते अजीनोमोटो तो स्किप कर दीजिए। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से लग चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे जब का जब फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई रखेंगे, इसमें तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। हो चुका है, जो चिकन हमने मैरिनेट करने रखा था अब वो हम इसमें डाल देंगे। हम चिकन का एक एक पीस लेकर डालेंगे। फ्राई में जितना चिकन आता है उतना चिकन डालकर हम इसमें फ्राई करेंगे। पूरा चिकन नहीं डालना है, 2-3 बैच में चिकन फ्राई हो जाएगा। हमें चिकन को ओवर कुक नहीं करना है वरना चिकन ड्राई हो जाएगा। बस 2-3 मिनट तक फ्राई करना है। दो से तीन मिनट हो चुके, अब हम चिकन को निकाल लेंगे। दूसरा बैच फ्राई करेंगे। अब हम दूसरा बैच भी 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम पूरा चिकन फ्राई कर लेंगे। दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। पूरा चिकन फ्राई हो गया है। करने के लिए हमें करियापाक चाहिए, थोड़ा ज्यादा करियापाक लीजिए और हरी मिर्ची को बीच में से चीर कर ऐसे पीसेस में ले लेना है। एक बोल लीजिए, उसमें थोड़ा दही डालिए। अब दही में थोड़ा सा अदरक लहसुन डालिए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। चिकन फ्राई करते वक्त हमने उसमें नमक डाला था, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। हमने चिकन तला था, उस कढ़ाई में से हम पूरा तेल निकाल कर थोड़ा सा तेल रखेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें करियापाक डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे।
करी पत्ता और हरी मिर्ची फ्राई हो गया है, अब हम जिसमें हमने धनिया और मसाले डाले थे वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से हिला लेंगे। हम इसमें रेड फूड कलर डालेंगे। अगर आप कलर डालना चाहें तो डालिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर कलर डालने से चिकन 65 का कलर अच्छा आता है। थोड़ा सा अजीनोमोटो डालेंगे, आप चाहें तो अजीनोमोटो स्किप भी कर सकते हैं। दही पक चुका है, अब हम इसमें फ्राई करा हुआ चिकन डालेंगे। अब इसे अच्छे से हिला देंगे। चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे सिम पे करके 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। अब हम इसे ढाप कर रख देंगे। देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट में और स्ट्रीट साइड में भी लोग चिकन 65 ऐसे ही बनाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए अब हम चिकन को डिश आउट कर लेंगे। गाइज हमारा चिकन 65 बनकर बिल्कुल रेडी है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।